विदिशा जिले में गंज बासोदा क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दीपावली के समय बाजारों में खरीदी के लिए भी उमड़ी भीड़ से भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ी है। इसके बाद देवउठनी 11 से शादी विवाह समारोह प्रारंभ होने के बाद लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, जिससे संक्रमण अब तेजी से बढ़ने लगा है। संक्रमण की रोकथाम के लिए एहतियात के तौर पर कठोर कदम उठाया जाना आवश्यक हो गया है। इसी के मद्देनजर रखते हुए बुधवार को जिला कलेक्टर पंकज जैन ने सिटी थाना प्रांगण में एक बैठक आयोजित की। कलेक्टर पंकज जैन ने कहा कि शादी बारात समारोह से लेकर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई। यदि शादी समारोह में भीड़ मिलने, मास्क का उपयोग न करने, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने एवं कोरोना की गाइडलाइन का पालन न करने पर जुर्माने के अलावा FIR भी दर्ज की जाएगी। इसलिए सभी को शासन के निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। कोरोना से बचाव के लिए शासन ने गाइडलाइन के साथ निर्देश जारी किए हैं। गंज बासोदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। के जितने भी तरीके हैं वो 144 का जो आदेश निकला है धारा 144 का, उसमें स्पष्ट है और उसमें जो भी मैरिज पार्टी है उसको पुलिस थाने में सूचना देना आवश्यक किया गया है। सर, देखने में आया कि परिवार के परिवार अब निकल रहे हैं, तो दूसरे लोगों को कैसे जानकारी मिलेगी कि इस परिवार से दूर रहना है, डिस्टेंस बना के चलना? कोविड में हमेशा जब भी निकलते हैं, इसके पहले भी जो ट्रेन रहा है, तो जो लोग क्लोज रहते हैं उनके पॉजिटिव होने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं। और अभी हम लोग घर के बाहर जिन परिवार में लोग निकल रहे हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए वहाँ हम फ्लैक्स भी लगा रहे हैं और वहाँ पे आगे सामने एक सांकेतिक बैरिकेड भी रखा जाएगा। पिछले 3-4 दिनों से बासोदा में हमने जो केसेस का ट्रेंड देखा है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है और थोड़ा सा चिंता का विषय है। हालांकि केसेस की संख्या अभी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन जो विदिशा से हमने जो सबक लिया है कि थोड़ा सा भी बढ़ाव का यदि हम रुझान देखते हैं तो हम पहले से ही अपने पूरे जितने भी मेजर्स हैं उनको यहाँ में लगाना है। और यहाँ पे बासोदा में मास्क की जो कंप्लायंस है, मास्क लगाने का प्रतिशत है, वो हमें लगता है कि अभी उसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है। और इसके अलावा DJ वाले हैं या मैरिज गार्डन वाले या कैटरिंग वाले हैं या हमारे व्यापारी संघ हैं, उनसे आज सहयोग भी हमने मांगा है इसमें कि एक बार यदि केसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो फिर उसको कंट्रोल करने में बहुत समय लगता है। पर हम चाहते हैं कि बासोदा में अभी केसेस की संख्या थोड़े बढ़ते में ज़रूर है पर अभी कंट्रोल में है, तो कंट्रोल में बनी रहे, हमारी किसी लापरवाही के कारण केस विस्फोटक स्थिति में ना आए, इसके लिए यहाँ आए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।